हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बिल्कुल सही, जो रिसर्चर्स या जो साइंटिस्ट दुनिया भर में जो उर्दू स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं, उनके लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मेंडेली डेस्कटॉप को यूज़ करके हम कैसे जो है गूगल स्कॉलर और NCBI से हम कैसे आर्टिकल्स लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे मेंडेली डेस्कटॉप पे, और फिर मेंडेली डेस्कटॉप से मैं वहाँ से रेफरेंस दूंगा अपने मैनोस्क्रिप्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज मैं समझाऊंगा NCBI से कैसे आर्टिकल्स इंपोर्ट करेंगे मेंडेली डेस्कटॉप में, और गूगल स्कॉलर से कैसे इंपोर्ट करेंगे आर्टिकल्स। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेंडेली डेस्कटॉप ओपन करता हूँ, मेरे सामने खुला हुआ है, ये ओपन ही है मेंडेली डेस्कटॉप, ये मेंडेली डेस्कटॉप है, साइटेशन मैनेजर है। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर का टॉपिक मैं रखता हूँ हनी बी, चूँकि ये टॉपिक मेरे काम से रिलेटेड है तो मैंने इसका हनी बी रखा हुआ है। तो अभी हमारा फोल्डर जो है हनी बी बन गया, बिल्कुल खाली है, कोई आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल NCBI और गूगल स्कॉलर से यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा NCBI। सबसे पहले NCBI में जाऊँगा, तो NCBI जब मैं जा रहा हूँ तो ये जो विंडो है, ये जो बार है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं, तो मैं पबमेड ओपन करूँगा। पबमेड ओपन करने के बाद चंद आर्टिकल में सर्च करूँगा हनी बी पर। तो मैंने ये जो जब मैंने हनी बी सर्च किया, बहुत से आर्टिकल्स मेरे पास आए, तकरीबन 222 हैं, बहुत से आर्टिकल्स आ गए और आइटम्स हैं 4421 या तो इतने आर्टिकल्स हैं। तो मैं एक आर्टिकल्स मैं लेता हूँ मैं समझाने के लिए कि कैसे हम रेफरेंस देंगे। चलो पहले ही इस आर्टिकल को ही लेते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। हनी बी के हवाले से मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया तो मुझे उसका टाइटल, जर्नल नेम, ऑथर नेम एंड बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट सारे मुझे नज़र आए। तो मुझे इसका रेफरेंस देना है इस आर्टिकल का मेंडेली को यूज़ करके। तो मैं ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है सेंड टू पे क्लिक करूँगा, देखता हूँ क्या है, ओपन करता हूँ। जब मैंने सेंड टू ओपन किया तो बहुत से ऑप्शन आए, तो मुझे चाहिए साइटेशन मैनेजर, तो मैं साइटेशन मैनेजर पर क्लिक करूँगा। मेंडेली डेस्कटॉप साइटेशन मैनेजर है, एंड नोट साइटेशन मैनेजर। जब मैंने साइटेशन मैनेजर किया तो ये कह रहा है कि आप फाइल को क्रिएट कर रहे हो। जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, या अब ये डाउनलोड होगा, आपको शायद नज़र ना आए क्योंकि यहाँ बहुत से फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हुए। खैर ये है, यहाँ पे डाउनलोड हो गई ये फाइल, तो मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ। ये फोल्डर में ये वाली फाइल है जो उस आर्टिकल से रेफरेंसेस के लिए है, ये फाइल है। तो मैं इसको कट करता हूँ, वापस आता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आके मैंने अभी उस फाइल को कट किया हुआ, डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, क्योंकि हनी बी मेरा टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे मुझे आर्टिकल चाहिए। तो मैं इसका भी हनी बी फोल्डर का नाम देता हूँ, और हनी बी पे लाके मैं कट किया हुआ था उसको मैं पेस्ट करता हूँ। वो आर्टिकल का साइटेशन अभी यहाँ पेस्ट हुआ है। अभी मैं मेंडेली डेस्कटॉप दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि मुझे उस साइटेशन को, उस आर्टिकल की जो रेफरेंस है, उस साइटेशन है, उसको यहाँ इम्पोर्ट करना है। सिंपली मैं जाऊंगा एड पे, हनी बी फोल्डर तो है, देखिए इधर एम्प्टी है। मैं जाऊंगा एड पे जाऊंगा, और एड पे जाऊंगा तो ये डेस्कटॉप पे मैं जाऊंगा, डेस्कटॉप पे भी हनी फोल्डर मैंने अभी बनाया, और उसमें ये साइटेशन है, मैं इसको क्लिक करूंगा, या तो ये आर्टिकल यहाँ आ गया। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि NCBI से हम आर्टिकल्स को कैसे मेंडेली डेस्कटॉप पर इम्पोर्ट करते हैं। अब मैं मेंडेली डेस्कटॉप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाऊंगा, इसका रेफरेंस दूंगा। तो मैं जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखा था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, भाई आप जो है लिखो इस पर, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखा। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये मैंने ओपन किया हुआ है, मेरा टाइटल भी अच्छा है, एफिकेसी ऑफ हनी अगेंस्ट लोकलाइज ट्यूमर्स। तो मैं इस पैराग्राफ में रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगा, ज़रा मैं जूम करूँ इसको, आपको शायद ना दिखाई दे, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है अभी दिखाई दे रहा है। मैं कर्सर यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं जाऊँगा इंसर्ट साइटेशन पे, ये इंसर्ट साइटेशन,
और पे यहाँ पे आप देखें एक विंडो खुली, छोटी सी विंडो खुली। मैं इधर गो टू मेंडले, मेंडले पे क्लिक करूँगा, ये आर्टिकल डायरेक्ट आ गया मैं मेंडले पे। आपको मालूम है ये फाइल मैंने एनसीबीआई से लाया है, उस आर्टिकल का रेफरेंस है ये। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऊपर साइट पे जाऊँगा। ये देखिए साइट हो गया, यहाँ पे आपको साइट नज़र, मैं इसको येल्लो कलर करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो मैंने आपको एनसीबीआई से डाउनलोड करना, कैसे डाउनलोड करते हैं उस आर्टिकल का रेफरेंस, फिर वहाँ से मेंडले डेस्कटॉप पे ले आना, मेंडले डेस्कटॉप से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लाया, आपका रेफरेंस देना समझाया। अब मैं गूगल स्कॉलर से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ गूगल स्कॉलर से। तो हम चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ। ये है गूगल स्कॉलर, मैंने खोल ओपन किया हुआ है। गूगल स्कॉलर पे मैं हनी वी ही सर्च करता हूँ, मैंने किया हुआ है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो मैं हनी वी जब सर्च कर रहा हूँ गूगल स्कॉलर पे, तो ईयर्स के हिसाब से, पैटर्न साइटेशन के हिसाब से आर्टिकल आएंगे। यहाँ ये देखें हनी वी जब मैंने सर्च किया तो बहुत से आर्टिकल आ गए। मुझे पहला वाला नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये आइडिया चाहिए हनी बी के लिए, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो मुझे ये पेपर अच्छा लगा, मैं इसका रेफरेंस दूंगा, क्योंकि इसी से मैंने ये दूसरा पैराग्राफ लिखा है, यानी इस वहाँ से रेफरेंस इस पर मैंने लिखा है, इसलिए उसका रेफरेंस दूंगा। तो लीजिए, तो ये पार्टिकल मेरे काम का है ये आर्टिकल। तो मैं जाऊँगा ये स्टार को छोड़िए आप, ये सेव है सेव है। तो मैं इस पर जाऊँगा, साइड लिखा हुआ देखें, साइट पे जो ही क्लिक किया तो मेरे पास चार ऑप्शन आएंगे। नहीं, ये तो इनका साइटेशन स्टाइल है, ये जो मशहूर साइटेशन स्टाइल्स हैं फोर। मुझे बिपटेक्स, एंड नोट, रिपमेन, रिपवर्क में से बिपटेक्स से गरज है। ये तीनों जो है बाद में, एंड नोट जब मैं बाद में कहीं कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा एंड नोट कैसे यूज किया जाता है। रिपमेन और रिपवर्क भी मैं, मुझे टाइम मिला तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आज मेरा फोकस मेंडले डेस्कटॉप ही है, क्योंकि ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं मेंडले ये इस पे बिपटेक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया बिपटेक्स पे, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, मैंने बिपटेक्स में क्लिक किया तो उस आर्टिकल का, यानी मैं दोबारा, हाँ ये जो सेकंड आर्टिकल है इसका जो है इसका रेफरेंस है वो, इसका सेकंड आर्टिकल का बिपटेक्स पे क्लिक किया, इसका रेफरेंस ये है। तो मैं इसको जस्ट सेव एज करता हूँ, सेव एज। आपको मालूम है कि मैंने डेस्कटॉप में ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ था, आपको याद होगा। तो चलिए डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो ये हनी बी फोल्डर है। तो मैं इसका फाइल, इसका कोई नाम रखता हूँ, चलो हनी बी रखता हूँ, हनी बी नहीं रखूँगा, चलो कोई और स्कॉलर रखूँ। ए मैंने लिखा, ए जब मैं लिखता हूँ तो ये मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, ए के नाम से इस आर्टिकल को मैंने सेव किया। अब मैं दोबारा जाऊँगा मेंडले डेस्कटॉप पे, मेंडले डेस्कटॉप पर मैं गया, मैं अभी मेंडले डेस्कटॉप पे आया हूँ। मैं जाऊँगा एड बटन पे, आपको मालूम है कि मैंने ए से सेव किया हुआ, तो मैं ए पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा। देखिए ये आर्टिकल आ गया। अभी मुझे इस आर्टिकल को लेके जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और सेकंड पैराग्राफ में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि सेकंड पैराग्राफ मैंने वहाँ से लाया। मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगा और मैं जाऊंगा रेफरेंसेस पे, इंसर्ट साइटेशन करूँगा। ये विंडो ओपन होगी, गो टू मेंडले और ये सेकंड वाला आर्टिकल का साइट, ये देखिए ये आ गया सेकंड वाला आर्टिकल। तो भी आपने मेरे ख्याल में एनसीबीआई से कैसे साइटेशन देते हैं तो आपने देखा होगा, ये आ गया सेकंड ये वाला। अब मैंने येल्लो किया है, मैं रेफरेंसेस पे गया था, इंसर्ट साइटेशन किया और फिर मेंडले डेस्कटॉप, और मैंने उसका रेफरेंस दिया। तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे एनसीबीआई से आप आर्टिकल्स को मेंडले डेस्कटॉप पे ले आओगे, मेंडले डेस्कटॉप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस दोगे अपने मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस और रिसर्च आर्टिकल में। इस तरह मैंने दूसरा पैराग्राफ गूगल स्कॉलर से सिखाया। तो अभी हम फाइनली रेफरेंस देंगे। रेफरेंस इसका ताल्लुक जर्नल से है कि जर्नल आपको कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो रेफरेंस इस पर मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करूँगा। ये देखिए दोनों रेफरेंसेस का, दोनों साइटेशंस का, विद इन मैन्युस्क्रिप्ट साइटेशन के रेफरेंसेस आए। मैं इनको भी येल्लो करता हूँ।
तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने समझा कि कैसे NCBI से आप साइटेशन देंगे मेंडेली डेस्कटॉप को यूज़ करके, और कैसे गूगल स्कॉलर से आप साइटेशन देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख लें। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि कैसे हम एक प्लगइन को हम यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं वेब इम्पोर्टर, और उस प्लगइन से हम NCBI से भी आर्टिकल डायरेक्ट मेंडेली डेस्कटॉप पे ला सकते हैं और गूगल स्कॉलर से भी हम वो ला सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो, मुझे टाइम मिला तो मैं बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। और आपके पास अगर वेब इम्पोर्टर हो तो वो बहुत आसान होगा। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और आपको वस्सलामुअलैकुम।